सांसद पीएम मोदी ने की वेंकैया नायडू की तारीफ। नई पीढ़ी के साथ आपका निरंतर संपर्क अभिव्यक्ति का विभाग अंदाज। श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। नोएडा प्रशासन ने कॉमन एरिया में बना लिया हिस्सा तोड़ा। संसद में आज फिर हंगामे का आसार। महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार को घेर सकता है विपक्ष। सीएम केसीआर को झटका। पंचायत राज्य मंत्री के भाई ने पार्टी छोड़ी। बीजेपी कर सकते हैं ज्वाइन। भारत को टेबल टेनिस में मिला एक और गोल्ड। महिला क्रिकेट टीम ने जीता सिल्वर। नमस्कार, मैं उत्सला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते इस वक्त की खास खबरों का। राज्यसभा में सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है, जिसको देखते हुए संसद में आज उनको विदाई दी, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से हुई। अब उनकी जगह जगदीप धनखड़ देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे। वेंकैया नायडू के विदाई समारोह के दौरान पीएम मोदी के अलावा विपक्षी दलों के सभी नेता मौजूद रहे। वही पीएम मोदी ने राज्यसभा में कहा कि देश अपने अगले 25 साल की नई यात्रा की शुरुआत कर रहा है। उन्होंने कहा, हम लोग लोकतंत्र के बारे में आपसे काफी कुछ सीख सकते हैं। आप हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। नायडू जी वन लाइनर की लाइनर होती है। गरिमा और आपकी निष्ठा, मैंने आपको अलग अलग जिम्मेदारियों में बड़े लगन से काम करते हुए देखा है। आपने कभी भी किसी भी काम को बोझ नहीं माना। आपने हर काम में नए प्राण फूंकने का प्रयास किया है। आपका जज्बा, आपकी लगन हम लोगों ने निरंतर देखी है। वेंकैया जी की मौजूदगी में सदन की कार्रवाई के दौरान हर भारतीय भाषा को विशिष्ट अहमियत दी गई है। आपने सदन में सभी भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर मैनपुरी जनपद के नवीबगंज कस्बे में भाजपा नेता जसपाल सिंह ने पी सिंह इंटर कॉलेज में होने वाली तिरंगा रैली का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। कॉलेज प्रबंधक ने आजादी के 75वीं वर्षगांठ को भव्यता से मनाने के लिए सभी को प्रेरित किया। आपको बता दें कि इस रैली के माध्यम से विभिन्न गाँवों के लोगों से घर घर तिरंगा लगाने के लिए जागरूक करने का निवेदन किया गया। इस रैली में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, साथ ही बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं कॉलेज के प्रधानाध्यापक ने बताया कि घरों में तिरंगा लगाने से सभी में राष्ट्र भक्ति जागृत होगी। हमारे भारतीय वीरों को समर्पित है और इस रैली का मुख्य उद्देश्य है कि भारत देशभक्ति पर जागरूकता कराना और अपने बच्चों को बताना कि हम देश के प्रति समर्पित होने की हमेशा इच्छा है। अच्छा, ये कहाँ निकाली गई? ये रैली हमारी ग्राम तिल्याणी से प्रारंभ हुई, उसके बाद ग्राम जिनोरा में गई, जिनोरा नबीगंज में गई और हम लोग इसको आगे भी इसी प्रकार कायम रखेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदम्बे शरण है और मैं केपी सीमेंट कॉलेज में प्रधानाचार्य पद पर अध्ययनरत हूँ। जैसे हमारे देश का ये 75वां वर्षगांठ है स्वतंत्रता दिवस का, इसके उपलक्ष्य में मोदी द्वारा चलाए गए अमृत काल के दौरान ये रैली निकाली गई है। ठीक है, और केपी सी इंटर कॉलेज से चल करके ये तिल्याणी, जनौरा, दौदापुर और नबीगंज का पूरा घूमर करके वापस लौट रही है। इस रैली का क्या महत्वपूर्ण है? ये बच्चों को एक प्रोत्साहन उत्पन्न करती है। हमारे वीरों जो वीर शहीद हुए हैं उसके लिए ये समर्पित है और बच्चों को याद दिलाती है, बच्चों को ये उत्साह बढ़ाती है। हमारे जैसे हमारे देश का ये 75वां वर्षगांठ है स्वतंत्रता दिवस का, इसके उपलक्ष्य में मोदी द्वारा चलाए गए अमृत काल के दौरान ये रैली निकाली गई है। ठीक है,
और केपी सिंह से चलकर के ये कल्याणी जनौरा दौदापुर और नबीगंज का पूरा भ्रमण करके वापस लौट रही है। रैली का क्या महत्वपूर्ण है? ये बच्चों को एक प्रोत्साहन करके हमारे वीरों जो वीर शहीद हुए हैं उसके लिए ये समर्पित है और बच्चों को याद दिलाती है, बच्चों को ये उत्साह बढ़ाती है हमारे स्वतंत्रता दिवस का। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ब्रजनंद है। किस पद पर हो आप? हम प्रवक्ता हैं। भारतीय वीरों को समर्पित है और इस रैली का मुख्य उद्देश्य है कि भारत देशभक्ति पर जागरूकता कराना और अपने बच्चों को बताना कि हम देश के प्रति समर्पित होने की हमेशा इच्छा है। अच्छा, ये कहाँ कहाँ निकाली गई? ये रैली हमारी ग्राम कल्याणी से प्रारंभ हुई, उसके बाद ग्राम जनौरा में गई, जनौरा नबीगंज में गई और हम लोग इसको आगे भी इसी प्रकार। देश की आजादी के पर्व को लेकर जगह जगह तैयारियां की जा रही हैं। पूरा देश आजादी के 75वें वर्ष को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, वहीं स्कूल कॉलेजों में भी आजादी के अमृत महोत्सव मनाने की तैयारियां जोरों पर है। आपको बता दें 15 अगस्त को विद्यालयों में धूमधाम से आजादी के अमृत महोत्सव को मनाया जाएगा, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। पूरे देश में इस समय आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हर्षोल्लास का वातावरण है। राजकीय अभिनव विद्यालय दांदूपुर चाका में भी उसी पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। विभाग ने कार्यक्रमों की एक कार्यवृत्ति जारी की है, जिसके अंतर्गत आज विद्यालय में छात्रों छात्र छात्राओं द्वारा राष्ट्रगीत, देशभक्त गीत और नाट्य प्रस्तुति की जानी है, उसी का कार्यक्रम विद्यालय में चल रहा है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान कानपुर की कोर्ट में आर्म्स एक्ट के तहत हाजिर होंगे। वहीं हाजिर होने से पहले अपने किदवाई नगर आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री राकेश सचान ने बताया कि मुझे कोर्ट से कोई भी नोटिस नहीं दिया गया है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि जो भी न्यायालय का फैसला होगा यह एक लोअर कोर्ट का फैसला होगा, इसके खिलाफ वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए भी तैयार है। भाई न्यायपालिका सर्वोच्च है, न्यायालय जो फैसला देगा वो मान्य होगा और उसके लिए हम आगे की अदालतों में जाएंगे। चूंकि ये लोअर का फैसला होगा, सेशन में जाएंगे, सेशन से जरूरत पड़ेगी हाईकोर्ट जाएंगे। सर, आज इसमें फैसला आना या आज बहस होनी है? भाई मैं 11 महीने बाद कोर्ट गया था, मेरे के वकील जो बताएगा, हम अगर कोई वाद लड़ते हैं तो हमारा वकील बताता है। वकील ने मेरे को बताया कि आज जिरह होनी है, आप 5 मिनट के लिए आ जाइए जिरह में। साहब कह रहे थे कि 5 मिनट के लिए उपस्थित रहना जरूरी है। मैं वकील की बात पर 5 मिनट के लिए गया। अब वहाँ बाद में क्या घटनाक्रम हुआ, वकील ने हमसे कहा आप जाइए, हम तारीख ले लेंगे। और हमने जिरह की अप्लीकेशन दे दी है डेट बढ़ाने की, तब मैं वकील के कहने पर वहाँ से चला। खबर मैनपुरी के करहल चौराहे से है, जहां एक कंटेनर ने सपा जिलाध्यक्ष की कार को जोरदार टक्कर मार दी। आपको बता दें सपा जिलाध्यक्ष अपनी कार से अपने आवास की ओर जा रहे थे, इस दौरान एक कंटेनर ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मारी और करीब 300 मीटर तक घसीटते हुए ले गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जबकि इस पूरे मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है। मैनपुरी समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव जी आज अपनी ब्रेजा गाड़ी से कहीं जा रहे थे तो मैनपुरी में करहल चौराहे के निकट भदावर हाउस के पास उनकी ब्रेजा गाड़ी हरियाणा नंबर के एक ट्रक से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पुलिस कर्मियों द्वारा तत्काल चालक को हिरासत में लिया गया। चालक विनय यादव चौबिया इटावा का रहने वाला है। संपूर्ण पहलुओं की गहनता से छानबीन की जा रही है, अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुआ है, तहरीर प्राप्त होते ही आवश्यक वैधानिक कार्रवाई। भदावर हाउस के पास पीछे से ट्रक आ रहा था, आगे हम चल रहे थे, पीछे से ट्रक ने टक्कर मारी, उस हल्की सी टक्कर हमारी लगी, उसके बाद मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी, उसके बाद उसने फिर तेजी से टक्कर दोबारा फिर तेजी से आगे टक्कर मारी और उसमें गाड़ी हमारी घूम गई।
हरदोई की नवीन गल्ला मंडी में आज व्यापारियों ने बम बम बोले के जयकारों के साथ भव्य कावड़ यात्रा निकाली। वहीं कावड़ यात्रा के दौरान बुलडोजर लेकर कावड़िए गंगाजल लेने राजघाट पर गए, जबकि इस यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने बताया कि गल्ला मंडी में से चलकर बिलग्राम के राजघाट तक ये कावड़ यात्रा जाएगी, जो की लगभग 2 किलोमीटर लंबी है। वहीं इसका कावड़ यात्रा में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव की झलक भी देखने को मिली। गल्ला मंडी से तैयार होकर जाती है, फिर ये बिलग्राम चुंगी तक पदयात्रा जाती है। इसमें हाथी, ऊँट, अवेश वगैरह, डीजे वगैरह हैं, रथ हैं, सिंह घोड़ा है, और उसके बाद वहाँ से सवारी से जाती है। कुछ लोग पैदल जाते हैं, कुछ लोग बिलग्राम चुंगी से। अब उधर से बहुत से जो है पदयात्रा लेकर के आते हैं, उसका वहाँ एक राजघाट पर खाना बनता है, फिर वापसी में बिलग्राम में बनता है। गंगा यात्रा साथी में है। हाँ, गंगा साथी। हरदोई के हरपालपुर पुलिस थाने का मामला है, जब बंदरों का आतंक काफी बढ़ गया है। फिलहाल सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, इस वीडियो में बंदर दरोगा की टोपी लेकर भागता नजर आ रहा है। काफी मशक्कत के बाद दरोगा की टोपी मिल पाई। वहीं पूरे मामले में स्थानीय लोगों का कहना है कि आम जनमानस के साथ साथ पुलिस वाले भी बंदर से बहुत परेशान है। आए दिन बंदर कुछ न कुछ नया कारनामा करते रहते हैं। खबर हरदोई के लोनार थाना क्षेत्र से है, जहां रास्ते में कूड़ा डालने से मना करने पर दबंगों ने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि लोनार इलाके के रहने वाले एक दबंग को जब रास्ते में कूड़ा डालने से मना किया गया तो उसने विरोध में बंदूक निकाल ली, तो वहीं दूसरे पक्ष के लोगों ने लाठी डंडे निकाल लिए। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। ग्रामीणों ने इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। खबर गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र के बुलंदशहर रोड से है, जहां पेंट बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। वहीं आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। वहीं आग लगने से कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन फैक्ट्री में रखा लाखों का माल जलकर खाक हो गया। फायर स्टेशन कोतवाली सूचना मिली कि बीएस रोड इंडस्ट्रियल एरिया में कोड़ार्क पेंट की फैक्ट्री है, उसमें भयंकर आग लगी है। तत्काल फायर स्टेशन कोतवाली, वैशाली, साहिबाबाद, मोदी नगर से गाड़ियाँ मंगाई गई और देखा गया कि आग फैक्ट्री के प्रथम तल पर लगी हुई थी। आग को चारों तरफ से घेर कर बुझाने की कार्रवाई की गई और आग को पूरी तरह बुझा दिया गया है और इनका काफ़ी फैक्ट्री के काफ़ी हिस्से को सकुशल बचा लिया गया है। गोंडाइटिया थोक थाना क्षेत्र के धर्मेई गांव में मुहर्रम पर इमाम हुसैन की तकलीफों का शोक मनाया गया। साथ ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पूर्वजों की कुर्बानी को याद किया। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मातम मनाते हुए जुलूस निकाला, जिसके चलते पुलिस की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। साथ ही प्रभारी निरीक्षक करुणाकर पांडे भी भारी पुलिस बल के साथ जुलूस की लगातार निगरानी कर रहे थे। अब तक की खास खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।